व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से सब तो अच्छा है। तो देखिए आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो अच्छा लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। हम जनवर अपना अस्तित्व के लिए, बचने के लिए लड़ते हैं। ये मेरा एरिया है, तू क्यों आया यहाँ? ये मेरा एरिया है, तू क्यों आया यहाँ? तेरा जान ले लूंगा, तेरा भी जान ले लूंगा। आजा तो देख लेते हैं, तेरा माँ ने कितना दूध पिलाया। तेरा जान ले लूंगा, आजा ए आजा ए आजा आ आ। लेकिन तुम लोग अपना शर्त के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, नाम के लिए कुछ भी कर देते हो, जो हम जानवर से भी बदतर है। ये तो इंसानियत भी नहीं, हयानियत भी नहीं, सिर्फ शैतानी है, शैतानी। जैसे अभी सत्यरंजन बोरा ने उनकी किताबों में कुरान और इस्लाम धर्म को कलंकित किया, तो इस तरह दूसरे धर्म को कलंकित और हिंसा करने से क्या अपना धर्म का रेस्पेक्ट बढ़ता है? परंतु नेगलेक्टेड होता है। और इस तरह दूसरे धर्म को कलंकित करना कौन सी धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये तो सिर्फ शैतानी और हिंसा फैलाना वाला सांप्रदायिक आग लगवाना की वजन है। और ये भी ऐसी समय में जब देश की एक बड़ी फैसला होने वाला है, राम जन्मभूमि और बबरी मस्जिद की फैसला होने वाला है, तो इस समय में ऐसी सांप्रदायिक आग लगवाने वाला किताब लिखना देश के लिए कितना अच्छा काम है। आप लोग विचार कीजिए, ऐसे काम करने वालों तो देश दुही शैतान होते हैं। इस को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इसकी जबान को लगाम देना चाहिए, हाथ को काट देना चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसे काम करने का हिम्मत ना मिले। किसी धर्म की सब लोग बुरा नहीं होते। अगर कोई बुरा और गंदा काम करता है तो उसको लोगों बुरा कहते हैं, लेकिन वो बुरा होता है, लेकिन उसका धर्म बुरा नहीं होता है। और इसकी फायदा लेकर देश में हिंसा की आग जलाना, ये तो देशद्रोही और शैतानी होता है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस शैतानी और गंदगी में कान ना दे और देश में शांत की माहौल बनाए रखे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर, लाइक और कमेंट कर देना। फ्रेंड्स, डू यू लाइक मी? देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मी विद योर फ्रेंड्स।